नमस्कार रूपस किचन में आपका स्वागत है। आज जो मीठे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है पेड़ा। ये पेड़ा बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। 10 से 12 मिनट में ही ये पेड़ा बनके तैयार हो जाता है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए देख लेते हैं ये पेड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। पेड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम मिल्क पाउडर, घी, 200 ग्राम कंडेंस मिल्क, इलायची पाउडर, 2 से 3 बड़ी चम्मच गरम दूध, कटा हुआ पिस्ता और हमें चाहिए केसर। सबसे पहले हम गरम दूध में 2 पिंच केसर डाल देंगे। अभी केसर को दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। केसर को दूध के साथ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो चलिए पेड़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करके पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच घी और घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो जाने के बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें ये कॉन्डेंस मिल्क डाल देंगे। कॉन्डेंस मिल्क डालने के बाद हम इसे 30 से 40 सेकंड तक लगातार चलाते रहेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, नहीं तो ये पाउडर गोली जैसा बन जाएगा। अभी हम इसे 1.5 से 2 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। 2 मिनट हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे केसर वाला दूध और इस दूध के साथ मिक्सचर को फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी जब तक ये मिक्सचर पैन से छोड़ने ना लगे हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए ये पैन से अलग हो गया है और एक जगह आके जम रहा है। अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को मिक्सचर के साथ अच्छे से मिला देंगे। इलायची पाउडर को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अभी इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। फिर इस मिक्सचर को एक प्लेट पे निकाल लेंगे। मिक्सचर थोड़ा ठंडा होने के बाद मैंने इसे एक प्लेट पे निकाल लिया है। अभी यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेंगे और इसको ऐसे हथेली में रख के थोड़ा प्रेशर लगा के घुमाएंगे। ये देखिए प्रेशर लगा के घुमाया है, इसलिए ये दिखने में भी कितना स्मूथ लग रहा है। अभी इसके ऊपर से कटा हुआ पिस्ता डाल देंगे। ये पेड़ा तैयार हो चुका है, अभी इसे प्लेट में रख देंगे। फिर से यहाँ से छोटा सा टुकड़ा निकाल लेंगे और हथेली में रख के प्रेशर लगा के घुमाएंगे। पेड़ा का साइज और शेप आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। अभी इसके ऊपर भी थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता डाल देंगे। ये देखिए ये भी बन गया है, इसे भी प्लेट में रख देंगे। इसे ऐसे प्रेशर लगा के घुमाने के बाद अगर आप उंगलियों से इसे ऐसे घुमाएंगे, ये देखिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, तो ये चारों तरफ से समान रहेगा। ये देखिए अभी इसके ऊपर भी थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता डाल देंगे। ये देखिए ये भी बन गया है, इसे भी प्लेट में रख देंगे और इसी तरह बाकी मिक्सचर से भी पेड़ा हम बना लेंगे। ये देखिए पेड़ा तैयार हो चुका है, अभी भी ये हल्का सा गर्म है। पूरा ठंडा हो जाने के बाद ये खाने में और भी मीठा लगेगा। आप ये रेसिपी घर पे ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए वीडियो के नीचे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।